आपको बता देता हूँ कि जो काल भैरव जो हैं उनके चढ़ती है दारू, कोई सी भी ब्रांड हो वो पी लेते हैं। सफ़ेद की भी चलती है उनको, इंग्लिश की भी चलती है उनको, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। और वो ओरिजिनल मतलब उनके जब हम कटोरी में डालते हैं तो उनके मुंह की वहाँ पे लेके जाते हैं और वो पूरी दारू ख़त्म हो जाती है। और ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है और आज काफ़ी सालों के बाद मैं आज जा रहा हूँ, तो देखते हैं मंदिर ओपन है या नहीं है, वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। सो यहाँ से लेफ्ट, ये मेला मंच। काल भैरव में दारू क्यों चढ़ती है किसी को पता है? ये तो आइडिया नहीं है। राजा विक्रमादित्य थे उज्जैन के राजा, हाँ, उनने एक बार ये हुआ था कि उनने जो है अपने पति की जान बचाने के लिए उन्होंने काल भैरव को आह्वान करा था। हाँ, काल भैरव का आह्वान करने में काल राजा विक्रमादित्य की जो भाभी थी, हाँ, उसकी भाभी उसके बेटे का नाम था भारमल। हाँ, भारमल को राजा बनाना चाहती थी, तो उसने क्या करा, उसके सैनिकों से बोल के उनके जो अभिषेक का दूध वगैरह लेके आ रहे थे सैनिक, हाँ, हाँ, उसमें मदिरा मिलवा दी थी। अच्छा, मदिरा मीन्स शराब मिलवा दी थी। हाँ, शराब मिलवाने से उनका अभिषेक हुआ था, तो काल भैरव उससे वो प्रसन्न हो गए थे, नहीं क्रोध हो गए, क्रोधित हो गए थे, तो उनने उनकी पत्नी को जो है भस्म कर दिया था, जला दिया था। अच्छा, हाँ, तो फिर राजा विक्रमादित्य ने उसको मतलब अपनी एक बार राजा विक्रमादित्य की जान जो है उनकी पत्नी ने बचाई थी, फिर अब राजा विक्रमादित्य के सामने दूसरा टास्क ये आया कि वो उनकी पत्नी की जान बचाए। अच्छा, तो उनने क्या करा, फिर उनको बताया गया उनके जो गुरु थे कालिदास वरामीर जी, ये उनके गुरु हुआ करते थे, उनके दरबार में रत्न नाम से जाने, 9 रत्न थे इनके पास में, वो रत्नियों को जाने जाते थे। तो उनने उनको उपाय बताया कि काल भैरव के ऊपर ब्रह्म हत्या का वो है, तो ब्रह्म हत्या का उनको अगर दोष दूर करने के लिए वो ब्रह्मा जी की जो उनसे वो 5वां सिर काट दिया था ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्म हत्या थी उनके ऊपर, वो ब्रह्म हत्या का दोष दूर करने के लिए काल वो विक्रमादित्य को उनका शरीर वो 5वां सिर लेकर आना पड़ा। अच्छा, सिर लेकर आए, तब फिर जाके काल भैरव प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद ने उनने आशीर्वाद दिया था कि जिस शराब या मदिरा के कारण मैं तुम पे वो हुआ था, तुमको श्राप मिला था, उसको मैं आज प्रसन्न हूँ और आज के बाद मेरे ऊपर हमेशा मैं उसको ग्रहण करूँगा, इसलिए काल भैरव आज भी शराब वो लेते हैं। अच्छा, इसलिए काल भैरव के ऊपर जो है शराब शराब चढ़ाई जाती है। ओके, तो अच्छा ये बात तो मुझे पता नहीं थी, बट काफ़ी अच्छा लगा सुन के। ओकरेश्वर शमशान घाट द्वार और स्थिरमन गणेश मंदिर हम आ चुके हैं, पता नहीं कहाँ पे आए हैं। अच्छा, गढ़ कालिका मंदिर, ओहो आई थिंक ये मंदिर है गढ़ कालिका का, ये वाला मंदिर। ओके, और काल भैरव आगे काल भैरव चलने दो, जय हो गढ़ कालिका माता मंदिर, तेरी जय हो कृपा बनाए रखना बस। तो राइट नाउ अभी हम पहुंच चुके हैं गढ़ कालिका माता मंदिर, और गढ़ कालिका माता मंदिर के मैं दर्शन कर चुका था, इसलिए मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं, मैं यहां से उनको नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। और भुआ जो है उनको काफ़ी टाइम हो चुका था, यहाँ पे आए नहीं थे काफ़ी दिनों से, तो उन्होंने बोला कि यार मैं जाके आती हूँ। मैंने बोला ठीक है आप जाके आओ, तब तक मैं कुछ पानी वानी पी लेता हूँ। तो यही है मेरे पास, मैं अभी बोतल रखी हुई है, तो मैं जा रहा हूँ पानी भरने के लिए, और देन यहाँ से मूव ऑन करेंगे हम काल भैरव के लिए, जो कि यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, भद्रहरि गुफा शायद इससे आगे, बट यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है भर्तहरि गुफा मंदिर, और काल भैरव भी यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, तो देन दर्शन करने के बाद हम वहाँ पे मूव ऑन करेंगे। सो मिलते हैं रास्ते में, बाय। अभी हम पहुंच चुके हैं भैरव
पिथौरागढ़ जेल। और अभी हम रास्ता भटक गए थे, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब हम कहाँ पे थे, कौन सा मंदिर था वो, गढ़ कालिका मंदिर के, वहाँ से मैंने आपको बताया था कि हमें सीधे जाना है, लेकिन वो रास्ता गलत था, फिर से हमने यू टर्न लिया, देन हम आगे की साइड में आए। उसके बाद ये आ गई क्या नाम है जेल का, भैरूगढ़ जेल है ना, केंद्रीय भैरूगढ़ जेल के नाम से जाना जाता है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जेल है। और इसी जेल को क्रॉस करते हुए हम सीधे काल भैरव के साइड में निकलते हैं, और ये वही रास्ता है, त्रिवेणी मैरिज गार्डन, जैन फैमिली रेस्टोरेंट। अब तो शायद सारे मैरिज गार्डन वगैरह सब बंद हो गए, इधर नहीं ओपन है। मैं अभी पहुंच चुका हूं काल भैरव मंदिर, यस काल भैरव मंदिर। और यहां पे थोड़ा सा इशू ये है कि यहां पे कैमरा अलाउड नहीं है और काफ़ी क्राउड है। आप इधर देख सकते हैं पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। यहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जूते कहां पे डालें, चले मैं अभी लाइन में खड़ा हूं उधर। ओके तो अभी हमने कर लिए हैं दर्शन। वो भाई साहब क्या गर्मी है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मुझे एक चीज़ बहुत सही लग रही है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो बिना मास्क के कोई यहाँ पे आ नहीं रहा, और ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी है। ये बात मुझे बहुत सही लगी है, बहुत सही चीज़ भी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्राउड भी है लेकिन सब मास्क लगाए हुए हैं, क्योंकि कोरोना का अभी थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना जाएगा कैसे, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र से हाथ धोएं, यही बेस्ट चीज़ है हमारे लिए, सबके लिए। तो यह है काल भैरव मंदिर, जो कि यहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं अभी कोरोना के टाइम पे भी यहाँ पे कितना सारा क्राउड है। ओके तो यहाँ से मूव ऑन करते हैं, देखते हैं यहाँ से किधर जाने का होता है। ओके तो काल भैरव भगवान के दर्शन करने के बाद अभी हम फिर से निकल रहे हैं हमारे घर के लिए। मेरा कैमरा इधर रखा हुआ है और एक कैमरा इधर रखा हुआ है, कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मोबाइल से ही शूट करना पड़ रहा है। अच्छा यहाँ पे पिंड दान होता है ना सिद्धवट में। अच्छा ओके तो अभी हम यहाँ से ले रहे हैं राइट मंगलनाथ के लिए अभी हम जा रहे हैं। काल भैरव से सारे मंदिर नियर बाय में हैं, आप काल भैरव से आप मंगलनाथ साइड या काल भैरव साइड इधर आइए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो बैचलर लोग हैं पार्टी वार्टी के लिए है। अच्छा ये पराठा सेंटर, हाँ ओके।
ठीक है। तो अगर आपको दाल बापले खाने हैं तो काल भैरव या फिर आप मंगलनाथ जरूर आओ और एक बार जरूर आपको टेस्ट करना बनता है, क्योंकि बहुत फेमस है उज्जैन में दाल बापले। ठीक है, हमारा रात का खाने का डिसाइड हो गया है, हम रात को खाने वाले हैं दाल बापले। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले। और प्लीज़ फ्री में होता है, बेल आइकन भी दबा लेना, सस्ता है, कुछ भी नहीं है, फ्री में होता है सब। सिर्फ आपको बटन टच करना है और आपका बेल आइकन दब जाएगा। सो बाय, टेक केयर। आज गुड नाइट नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी शाम के अभी बजे हैं 4:15, इसलिए अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है मुझे। तो बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।